आज से ड्राई रन होगा। राजधानी के 3 पॉइंट पर ड्राई रन होगा। इससे पहले देश के 4 राज्यों असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब में कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन 28-29 दिसंबर को हुआ था। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को वैक्सीन को लेकर ड्राई रन कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्यों की राजधानी के कम से कम 3 पॉइंट पर ड्राई रन कराया जाएगा। DGCI है, वो जो भी उनकी रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर विचार करके बहुत शीघ्र अपना निर्णय देगा और वो सब निर्णय आपके साथ शेयर किया जाएगा। DGCI के पास पेंडिंग है। अब मैंने तो अपनी बात कह दी है, अब आपको अगर उसको समझने में कठिनाई हो रही है तो जो 119 डिस्ट्रिक्ट और 260 स्थानों पर जो आज ट्रायल हो रहा है, इसमें सब जो इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं देश को, उसमें ग्रामीण इलाके, अर्बन सेटिंग्स, फिर जो डिफिकल्ट हार्ड टू रीच एरियाज हो सकते हैं, प्राइवेट सेटअप के एरियाज हो सकते हैं, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स तो प्राइवेट सेक्टर के भी और दूसरे भी, तो ये सारी चीज़ों के लिए हर प्रकार से मैंने आपको अभी कहा ना कि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम भारत चला रहा है, ये सब इम्यूनाइजेशन के ही चला रहा है। पूरी आपको पोलियो फ्री करने में भी आपकी अहम भूमिका रही थी और ये अब कोरोना वैक्सीन आने ही वाली है, तो कितना चैलेंजिंग है और कितना अलग है सर? नहीं देखिए, कोई देखिए हर एक चीज़ चैलेंजिंग होती है, लेकिन आपने देखा है कि भारत ने जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है, अभी आज 2 जनवरी आ गई है, मैंने 8 जनवरी को दुनिया में सबसे पहले कोविड के लिए जो लड़ाई है उसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग जो है अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में पिछले साल 2020 में की थी। एक साल सारे देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से, सारी स्टेट गवर्नमेंट सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी, तो आपने देखा कि 135 करोड़ के देश में भारत ने अभी लगभग 1 करोड़ से थोड़े ही ज़्यादा मरीज़ हुए हैं, उसमें से 98 और 99 लाख के बीच में तो ठीक होकर घर चले गए हैं। दुनिया का हाईएस्ट रिकवरी रेट 96% से ऊपर हमारा है, दुनिया का सबसे कम लगभग फैटालिटी रेट 1.45% ये हमारा है, और जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। आज आप ही लोग टेस्ट 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 कहते थे, फरवरी के जनवरी मार्च के महीने में, अप्रैल तक के महीने में भी आप लोग कहते रहते थे, आज सबसे ज़्यादा 10 से 15 लाख टेस्ट हम रोज़ भारत में कर रहे हैं। 2280 से ऊपर जो है लेबॉर्टरीज़ जो है, एक लेबॉर्टरी से यात्रा शुरू की थी, सब कुछ आपके सामने हुआ है। पीपी किट्स के बारे में, N95 मास्क के बारे में, जो वेंटिलेटर्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, सब चीज़ों में जो आप तकलीफ़ों की चर्चा आप ही लोग करते थे ना मार्च के महीने में, वो सारी चीज़ों को पार करके और भारत ने सारे दुनिया को ये चीज़ें अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। शुरुआती समय में हम लोगों ने वायरस को आइसोलेट करके दिखाया, अब वायरस को कई हज़ार यानी 40-50 हज़ार वायरस तो हमारे रिपोजिटरीज़ में हमने जमा कर दिए। जीनोम सिक्वेंसिंग आज नहीं हमने शुरू की, 6 महीने से हम लोग अपने अपने लेबॉर्टरीज़ में जीनोम सिक्वेंसिंग कर रहे हैं, और अभी आपने देखा कि अगर एक नया वेरिएंट की बात आई तो वो तुरंत जो है वो, क्योंकि काम हमारा लगातार चल रहा है, उसका भी कंसोर्टियम अब बन गया। धार्मिक संगठन अफवाह फैला रहे हैं वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए देखिए, मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है, और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनेसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई
कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है, जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूँ कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी, उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 6 साल हो गए और आखिरी केस हम लोगों ने 2011 में देखा था, 13 जनवरी को देखा था हावड़ा के अंदर। इसलिए देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है, इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए।